नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर का अभी तक जो हाल है काफ़ी तगड़ी, इसमें तेजी देखने वाली थी। काफ़ी छोटे से लेवल से ऑलमोस्ट 60-65 पैसे के लेवल से ये ऑलमोस्ट 4.05 रुपये के लेवल तक पहुंच गया था। मतलब कि अच्छी खासी इसमें तेजी देखने वाली थी, लगातार अपर सर्किट इसमें देखने वाले थे और ये काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था। लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी आने के बाद हमने आपको जो टारगेट प्रोवाइड किया था 3.90 रुपये का, उसको अचीव किया इसने। और उसको अचीव करने के बाद इसमें भारी गिरावट देखने मिली है। मतलब कि जितनी तेज़ी ऊपर गया था उतनी ही तेज़ी से ये नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और लगातार इसमें लोअर सर्किट देखने मिले हैं और बीच बीच में इसमें हल्की फुल्की तेज़ी भी आई थी। और हमने आपको मना किया था कि इस तेज़ी को वो तेज़ी मत समझिए कि तेज़ी तगड़ी तेज़ी आएगी, ये तेज़ी एक फंसाने के लिए है। आपको जो है ट्रैप किया जाएगा फिर से, और आप जब ट्रैप हो जाएंगे फिर से इसमें लोअर सर्किट लगेंगे और उसमें लगातार लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिले हैं। और आज के दिन फिर से इसमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, इसमें आज फिर से अपर सर्किट देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये अपर सर्किट आपको फिर से ऊपर ले जाने वाला है, मतलब कि इसमें तेज़ी ऊपर की ओर फिर से आने वाली है, भयंकर तेज़ी आएगी, या फिर ये तेज़ी दोबारा से गिरावट में बदलने वाली है। आपको इस लेवल पर बाई करना है कि नहीं करना है, किस लेवल पर आपको बाई करना सबसे अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में शेयर कैसा रहने वाला है, ये सब बातें जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आज के दिन कैसे क्या ट्रेड चल रही है। तो इसमें आप देखें ऑलमोस्ट 5 पैसे की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि 3.03% के आसपास की तेज़ी है। और पूरे दिन इसमें जो है अपर सर्किट देखने को मिला है और अभी ये 1.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 1 वीक की अगर इसमें बात करें तो 1 वीक में इसमें ऑलमोस्ट 5 पैसे की जो है गिरावट देखने को मिली है, जो कि 2.86% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 2 दिन देखें इसमें लगातार जो है अपर सर्किट देखने को मिले, कल के दिन भी इसमें अपर सर्किट लगा था और आज भी इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। 1 महीने की इसमें बात करें तो 1 महीने में ऑलमोस्ट 40.35% की इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि 1.15 रुपये की गिरावट। तो अच्छी खासी जो है इसमें गिरावट देखने को मिल चुकी है 1 महीने की अगर इसमें बात की जाए। तो 6 महीने की अगर इसका ब्यौरा देखें तो 6 महीने में ऑलमोस्ट 70 पैसे की जो है इसमें तेज़ी देखने को मिली है, जो कि 70% जो है तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है अपना 6 महीने का अगर डेटा अपन देखें। तो 1 ईयर के अगर इसके आंकड़े देखें तो 1 साल में इसमें ऑलमोस्ट 95 पैसे की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि 126.67% के आसपास की तेज़ी इसमें देखने को मिली है अपना 1 साल में। अगर 52 वीक का इनका हाई एंड लो देखें तो 52 वीक का लो इनका 45 पैसे का है और हाई 4.05 रुपये का। तो कितना तगड़ा आपने इस कंपनी से पैसा आना है आप खुद इस आंकड़े से देख सकते हैं। बाकी कंपनी की बात की जाए कि कंपनी कैसी है, कंपनी कैसे परफॉर्मेंस दे सकती है, तो कंपनी जो है अभी लॉस में है, कंपनी पर अच्छा खासा कर्जा है, कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इनके जो अपने क्वार्टर के रिजल्ट भी आए थे वो काफ़ी अच्छे देखने मिले थे, मतलब कि हालांकि लॉस में थे लेकिन अच्छे किस नज़रिए से देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि इन्होंने अपने लॉस को कम किया था, अपने एक्सपेंस को भी थोड़ा उन्होंने सुधारा था और अपने प्रॉफिट को भी, मतलब कि जितना माइनस में थे उसको थोड़ा सा कम किया था, माइनस को मतलब कि लॉस को उन्होंने कवर किया है अपने इस क्वार्टर में। तो इस लिहाज से देखें तो कंपनी जो है अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है, कंपनी ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रही है, कंपनी ग्रोइंग स्टेज में आने की जो है अपना ट्राई कर रही है ताकि ये पूरी तरीके से प्रॉफिट में जाए, मतलब कि पूरे अपने डेब्ट को रिड्यूस कर लें, खत्म कर दें और कंपनी फिर से प्रॉफिट में जाए। तो इसके लिए जो है इनमें अभी स्ट्रगल चल रहा है और स्ट्रगल अभी और भी इनका चलेगा, क्योंकि इनका कर्जा जो है बहुत छोटा मोटा कर्जा नहीं, अच्छा खासा कर्जा है। तो उस कर्जे को चुका के इनको अभी ऊपर जाने में काफ़ी समय लग सकता है। बाकी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, भविष्य इनका काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर ये कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देती है, मतलब कि अपने कर्जे को चुका देते हैं और प्रॉफिट में आ जाते हैं, तब जो है इस कंपनी का आगे आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी अभी जो उनका हाल आगे हो सकता है वो उनका 5G बहुत अच्छा इनके लिए अभी आ रहा है। 5G के समय पर क्या इनके लिए अच्छा हो सकता है, 5G के समय पर जो इनकी इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो उनका काम है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये काम काफ़ी अच्छा चल सकता है अगर ये अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, उस जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कंपनी अच्छी अच्छी जो है इस अपने जो अपना पर्टिकुलर टाइम आ रहा है 5G का उसमें काफ़ी मुनाफा कमा सकती है। तो जो है अभी इनका काफ़ी अच्छा समय रह सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनको वो टेंडर्स मिल पाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स मिल पाते हैं जो ये सोच रहे हैं कि मिल पाएंगे इनको, क्योंकि ये कंपनी लॉस में और इससे अच्छी कंपनी और भी, जैसे अपने HFCL लिमिटेड है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के सामानों की, तो उनको हो सकता है कि वो काफ़ी फ़ायदा हो इस चीज़ से, क्योंकि कंपनी वो HFCL प्रॉफिट में और ये कंपनी लॉस में। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण इनके लिए समय आने वाला है, आगे आने वाला जो समय, जो अपना नवंबर अक्टूबर का समय है, काफ़ी क्रूशल इस कंपनी के लिए रहेगा। बाकी कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है अभी, क्योंकि कंपनी रिस्की है इसलिए रिस्की है क्योंकि इन पर लॉस है, और अगर इनके 1-2 क्वार्टर और ख़राब रहते हैं
दो तीन क्वार्टर का समझ लीजिएगा खराब रहते हैं, फिर इनका और भी बुरा हाल हो सकता है। तो कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो ये सोच के लगाइए कि आपका जो है रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले इस कंपनी में पैसा लगाने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना होगा कि आप कितना रिस्क उठाने को इसमें तैयार हैं। जैसे कि अगर आपका 1 रुपये 10 पैसे 1 रुपये 20 पैसे के नीचे शेयर जाएगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा, तो आपका ये रिस्क होना चाहिए। मतलब आप अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेज कीजिए कि आप कितना रिस्क उठाने को तैयार है, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप रिस्क उठाने को तैयार हैं तभी इस कंपनी में आए, वरना आप इस कंपनी से दूर रहें। और अगर आप इसमें लॉस में चल रहे हैं, अगर आपका अच्छा सा इसमें लॉस हो गया है, तो आप जिसको इसको जो है क्या करें, इसको आप होल्ड कर सकते हैं अगर आप लॉस में काफ़ी ज़्यादा इसमें आ चुके हैं। और अगर आप जो है ज़्यादा लॉस में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो काम करना है आप इससे अभी निकल जाइए जितनी जल्दी हो सके इससे निकल जाइए, क्योंकि इसमें भी जो तेज़ी आई है 1 रुपये 70 पैसे की, ये तेज़ी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। ये तेज़ी फिर से जो है गिरावट में आपको बदलती हुई दिखाई देगी। तो आपका जो टारगेट नंबर बन रहने वाला है वो आपका ऑलमोस्ट 1 रुपये 85 पैसे 90 पैसे का आपका टारगेट नंबर बन जाएगा, और टारगेट नंबर 2 आपका रहेगा 1 रुपये 95 पैसे का। और बाइंग तो अभी आपको गलती से भी नहीं करना है, बाइंग अगर आपने अभी कर ली तो बाइंग करने पर आपको बहुत नुकसान होगा अगर आप इस समय पर बाइंग करते हैं। तो बाइंग करने से बिल्कुल बचें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इससे निकल जाइए। अभी ये 1 रुपये 70 पैसे पर पहुंच चुका है, तो आप जो है यहाँ पर भी निकल सकते हैं करंट पोजीशन पर, और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो आपका वेट करेंगे तो आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका 1 रुपये 80 पैसे का आपका टारगेट नंबर बन रहेगा, कौन सा अपने आगे आने वाले समय के लिए, जिसमें आप एग्जिट कर सकते हैं 1 रुपये 80 पैसे पर। बाइंग तो अभी बिल्कुल कर देना, बाइंग करने के लिए लेवल आपका जो है वो आपका 1 रुपये 40 पैसे का रहेगा, लेवल नंबर 1 आपकी बाइंग करने के लिए। ये आपका बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहने वाला है 1 रुपये 40 पैसे का। तो आपका बाइंग करने का ऑप्शन है 1 रुपये 40 पैसे, आपका टारगेट नंबर 1 है 1 रुपये 80 पैसे, टारगेट नंबर 2 आपका 1 रुपये 95 पैसे, और आगे आने वाले समय के लिए जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 2 रुपये 95 पैसे। यहाँ पर हमने आपको याद होगा जब इसमें गिरावट आई थी तो हमने आपको बोला था कि आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए 2 रुपये 95 पैसे पर, क्योंकि इसका रीज़न क्या था कि मैंने आपको इसलिए बोला था ये चीज़ ताकि आप लोग लॉस ना खाएं, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको बोला था कि पक्का गिरावट और भी आएगी। और फिर आप देखिए 2 रुपये 95 पैसे से ये 1 रुपये 60 पैसे के लेवल तक पहुंच गया था, तो भारी इसमें गिरावट देखने को मिली है इस लेवल के बाद से, इसलिए हमने आपको इस लेवल पर एग्जिट करने को बोला था। काफ़ी लोग बोल रहे थे इससे एग्जिट नहीं करना चाहिए, अभी ये कंपनी अच्छी है, कंपनी बिल्कुल अच्छी कर सकती है, लेकिन सही टाइम पर एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए फिर क्या हुआ, कितना तगड़ा लॉस हुआ। तो अगर आपने इस पॉइंट पर एग्जिट किया होगा तो काफ़ी फायदे में आप रहे होंगे, और अगर आपने नहीं किया होगा तो काफ़ी आपका लॉस हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपको एग्जिट इससे कर लेना है किस पर, 1 रुपये 80 पैसे के लेवल पर, या अभी आप करंट प्राइस पर भी इसमें एग्जिट कर लीजिए तो आप लॉस से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर से जाल बुना जा रहा है फंसाने के लोगों को, क्योंकि इसमें अभी तेज़ी नहीं आएगी। ये वाली जो रैली आई थी इसमें ये रैली अभी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आने में अभी लगेगा समय, क्योंकि हर एक बने स्टॉक में ये रैली 6-7 महीनों में एक बार आती है, और ये रैली इसमें आ चुकी है, तो अब 6-7 महीने तक इसमें इतनी तगड़ी तेज़ी नहीं आने वाली। तो इससे अभी आप बचें, दूर रहें, और इसमें अभी पैसा न फंसाएं, क्योंकि इसमें अभी कंसोलिडेट भी चलेगा, कंसोलिडेशन का फेस चलेगा, और कंसोलिडेट करके ये अभी और नीचे जाएगा, मतलब कि ये लोअर हाई बनाते हुए नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इससे अभी बाइंग करने से बचें, बाकी अपना टारगेट जो है 1 रुपये 80 पैसे का रखें, और टारगेट नंबर 2 1 रुपये 95 पैसे का, तो ये आपके लेवल रहेंगे। बाइंग आपको बार बार बोल रहा हूँ नहीं करना है, ये मैं बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको बोल रहा हूँ, 4-5 बार बोल चुका हूँ ताकि आपको याद रहे कि बाइंग नहीं करना है, गलती से भी आपसे बाइंग ना हो जाए इसमें। तो दोस्तों ये हमारे लेवल रहेंगे इस वीडियो में कि कौन सा आपका अच्छे टारगेट है, कौन से आपके लेवल हैं, तो ये अपने जो है बहुत अच्छे लेवल काम करने वाले हैं आगे आने वाले समय के लिए। और दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चालू किया है, जिसमें हम आपको फ्री में ट्रेड देते हैं इंट्राडे के लिए, और आपको BTST स्टॉक जो होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो स्टॉक होते हैं वो भी आपको उस चैनल में दिए जाते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और पेनी स्टॉक जो सबसे अच्छे स्टॉक होते हैं, जो इसमें रिस्क कम होता है, उस तरह के स्टॉक भी आपको उस चैनल में दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देना है, आप उस ग्रुप को आके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, काफ़ी आपको फायदा होगा उस ग्रुप पर ज्वाइन होने से, और नुकसान आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे आपको बिल्कुल भी उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नहीं देना है, जाके अभी ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।